पटना के गांधी मैदान थाना क्षेत्र सलीमपुर आहरा के रहने वाली युवती ने जब एक क्लिनिक में डिलीवरी कराने के दौरान जच्चा बच्चा दोनों की मौत हो गई, जिसके बाद आक्रोशितों का गुस्सा फूट पड़ा। ये तस्वीर देखिए कि किस तरीके से जब जच्चा और बच्चा की मौत हो गई तो उसके बाद जो आक्रोशित परिजन हैं उनका गुस्सा फूट पड़ा और तोड़फोड़ करना शुरू कर दिया। जो वहां के स्थानीय क्लिनिक है, अस्पताल है, उसमें तोड़फोड़ की गई और पूरी तरीके से गुस्सा जो है वो पूरी तरीके से फूट पड़ा और अस्पताल के सभी डॉक्टर और कर्मी फरार हो गए। हंगामा की सूचना पर पहुंची पुलिस ने मौके से पुलिस के चंगुल से नर्स हुई फरार, वहीं अस्पताल के मकान मालिक को भी पुलिस ने हिरासत में ले लिया। महिला एवं पुरुष डॉक्टर करा रहे थे महिला का प्रसव, कराने के क्रम में बच्चे की हो गई मौत, जिसके बाद जो परिजन हैं उनका गुस्सा फूट पड़ा और महिला को गंभीर हालत में दूसरे अस्पताल में इलाज के लिए भेजा गया। इलाज के क्रम में महिला की भी मौत हो गई, जिसको लेकर पूरी तरीके से गुस्सा फूट पड़ा और झोला छाप डॉक्टरों पर फूटा। लोगों का गुस्सा पहले भी पिरबोहर थाने क्षेत्र में मखनिया कुआं स्थित पूर्वी गली के अमन अभिषेक पॉली क्लिनिक में हो चुका था तोड़फोड़। फिलहाल पुलिस ने एक आरोपी को अस्पताल मकान मालिक को गिरफ्तार कर लिया है, जिसको लेकर स्थानीय जो परिजन हैं उनका गुस्सा फूट पड़ा और परिजनों का रो रो के बुरा हाल है। ये तस्वीर देखिए कि किस तरीके से जिस अस्पताल में परिजनों ने भर्ती कराया था तो जच्चा और बच्चा की जो है, पहले तो बच्चा की मौत हो गई और उसके बाद जब जो उसकी माँ है बच्चे की, उससे उसकी भी हालत नाजुक बताई जा रही थी, तो फिर वो दूसरे अस्पताल में ले गए, जिसको लेकर रास्ते में ही दूसरे अस्पताल में माँ ने भी दम तोड़ दिया और उसके बाद जो है पूरी तरीके से गुस्सा फूट पड़ा और पुलिस ने अस्पताल के मालिक को गिरफ्तार कर लिया। डॉक्टर और नर्स जो है मौके वारदात से फरार हो गए और स्थानीय लोगों को पूरी तरीके से गुस्सा फूट पड़ा। यह तस्वीर देखिए कि किस तरीके से स्थानीय लोगों ने किस जो अस्पताल के जो परिजन हैं बच्चे की, वो पूरी तरीके से गुस्से में हैं और रोते हुए पूरी जो है तस्वीर हमारे सामने है। आप देखिए कि किस तरीके से रो रहे हैं और उनका जो परिवार है उनका रो रो के बुरा हाल है। बेटी के कर दल हुआ, बेटी भी हमारे सीरियस हो, दूसरा अभी एम्बुलेंस बोला करके ले गए हुआ है। कब आई थी? आज अभी अभी तुरंत, पहले मरीज में ना देखना है हमरा। कब एडमिट हुई थी यहाँ? एडमिट हमारे दामाद और भीन हालत आज। तमाम ऐसी खबरों के लिए आप बने रहे 10 न्यूज के साथ और देखते रहे 10 न्यूज।